सबको अपने चैनल कासिम टेक एंड अर्न में। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हमें प्रॉपर सीखेंगे कि हम गूगल में किस तरीके से एड्स को लगा सकते हैं, ठीक है। मींस के गूगल में एड्स लगाएं या फिर यूट्यूब में जो एड्स लगते हैं वो किस तरीके से लगते हैं, ये हम आज की वीडियो में प्रॉपर सीखेंगे। तो आज की वीडियो को कहीं से स्किप कर देना ये समझ के कि ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये तो बात है कि काम आसान है, लेकिन बगैर समझे काम करना एक बेवकूफ़ी है ये। तो इस वीडियो को कहीं से स्किप ना कीजिएगा, आपसे गुजारिश है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके अपने से मुताबिक कोई काम कर दिया तो फिर आप गड़बड़ हो सकती है और आप में भी आपका ऐड ना लगे, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखते रहें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू प्ले एड्स ऑन गूगल, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ सर्च किया हुआ है हाउ टू प्ले एड्स ऑन गूगल, तो मेरे सामने गूगल ने कुछ रिजल्ट्स दिए हैं मुझे। रिजल्ट देने से पहले गूगल ने मेरे इस सर्च के ऊपर कुछ एड्स लगाई हैं, देख सकते हैं आप, पहला ऐड, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, फिर उसके बाद उसने मुझे सर्च रिजल्ट्स निकाल के दिए हैं। इसी तरीके से ये एड्स हमारे यहाँ लगते हैं। एक तो ये किस समय एड्स लगने की, और एक यूट्यूब में वो मैं आपको एंड में बताऊँगा, ठीक है। अब इन एड्स को हम ये किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। इन एड्स को लगाने का फ़ायदा भी बहुत है और इन एड्स को किस तरीके से लगाते हैं ये हम देखते हैं। सब है, ठीक है, अपना गूगल आपने ओपन करना है, ठीक है, गूगल ओपन कर लें। अच्छा दोस्तों, एड्स लगाने का फ़ायदा यह है कि जो अगर तो आपका ब्रांड है, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है या अगर आपकी फिज़िकल दुकान है, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स, बहुत ज़्यादा सेल्स, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको उस सोर्स को मिल जाती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हर चीज़ मार्केटिंग से चलती है और एड एक किस्म की आपकी मार्केटिंग ही होती है। तो यहाँ अब गूगल में आने के बाद आपने लिखना है गूगल एड्स वर्ड, हर एक एक चीज़ यहाँ सोल्व की जाएगी, ठीक है। अगर तो आपने इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे लगा कि यार इस वीडियो से मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हुए और मुझे वीडियो में लाइक्स बहुत ज़्यादा मिले, तो मैं इंशाल्लाह ताला एक ऐसी भी वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि हम यूट्यूब में वीडियो ऐड किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो भी मैं आपको कस्टम ऐड दिखा रहा हूँ ना, ये टेक्स्ट वाली ऐड, ये वाली, तो वीडियो ऐड किस तरह लगाते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, आपने गूगल में सर्च करना है गूगल एड्स वर्ड आपने सर्च करना है, ठीक है। गूगल एड्स वर्ड सर्च करेंगे तो सबसे पहले लिंक में आपने क्लिक करना है। जैसे ही सबसे पहले लिंक में आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर बाद लोडिंग होगी और लोडिंग के बाद कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब माशाल्लाह से मेरा नेट सुभान अल्लाह बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा लगता है, चल जा भाई, जी जी चल गया। अच्छा, तो कुछ रिजल्ट्स आने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होगा। आपने क्या करना है, आपने साइन इन के बटन पे क्लिक करना है और एक छोटा सा फॉर्म आएगा, आपने उसको फिल करना है। उसमें आपका नाम और ईमेल एड्रेस ही पूछा होगा, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी होगी। वो फिल करने के बाद आपने स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट्स अहम है, बहुत ज़्यादा समझने की बात है, यहाँ से जो सारी बातें शुरू हो रही हैं वो यहाँ से शुरू हो रही हैं, ठीक है। चल जा भाई, जी जी चल गया। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ एड्स चलाने के लिए हमें चार स्टेप से गुजरना पड़ता है, चार मराहिल से गुजरना पड़ता है। इन चार मराहिल को तय कर हमारा ऐड गूगल की में लाइव आ जाता है, ठीक है। तो वो चार स्टेप्स कौन से हैं वो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चार स्टेप्स हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने इन चार स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया था। आपसे पहले मैं देख रहा था कि ऐड किस तरीके से लगता है, स्टडी कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और आपको शुरू से जाके समझाता हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, मैंने पहले खुद इसको ट्राई किया, तो लिहाजा फिर आपको बताने लगा हूँ। अब मैं शुरू से मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं बैक चला गया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड जी। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है दोस्तों, वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एडवर्टाइजिंग गोल, आपकी इश्तहार लगाने का मकसद क्या है पीछे, ठीक है। उसने तीन ऑप्शंस आपसे पूछी। अब पहली ऑप्शन में हम गौर करते हैं, पहली ऑप्शन वो कह रहा है गेट मोर कॉल्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपके इश्तहार लगाने का मकसद ये है कि आप अपने जो दुकान है या अपने कोई भी आपका बिजनेस है उसमें आप कॉल्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कॉल्स लेके सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे दूसरा बहुत अहम और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि वो पूछ रहा है कि आप अपनी वेबसाइट या अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, वेबसाइट्स के साइनअप बढ़ाना चाह रहे हैं या अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं। सेल्स इसलिए पूछ रहा है कि बहुत से ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जो सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो उसके बाद इस दूसरी नंबर पे आप अपनी वेबसाइट की भी प्रमोशन कर सकते हैं, आप अपने चैनल्स की प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांड्स की प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे वो आपसे पूछ रहा है कि यार आप अपनी कोई फिजिकल दुकान में कस्टमर्स लाना चाह रहे हैं, मीन्स के आपकी कोई दुकान है, आपका कोई बिजनेस है फलां जगह पे, और आप चाह रहे हैं कि जो भी कस्टमर मेरी ऐड को देखे वो उस ऐड को देखने के बाद मेरी उस फलां दुकान पे आए और मेरे से चीज़ें परचेज करे, ठीक है। तो तीसरी ऑप्शन उसके लिए है। जैसा कि दूसरी ऑप्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो हम दूसरी ऑप्शन में नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। हम एक वेबसाइट का इश्तेहार लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, वेबसाइट तो मेरे पास नहीं है, आप लोग वेबसाइट का लगाना, मेरे पास तो एक आम सा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल ही है, मैं उसी का इश्तेहार लगा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा दोस्तों, दूसरे आगे वो पूछ रहा है डिस्क्राइब योर बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करें। बिजनेस नेम आपने लिखना है, यहाँ मैंने बिजनेस नेम लिख दिया है, ठीक है। बिजनेस नेम तो नहीं, बहरहाल मैंने लिखा, मैंने अपने चैनल का ही नाम लिख दिया है। आपने यहाँ अपना बिजनेस नेम लिखना है और यहाँ आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लिखना है, ठीक है ना। मीन्स के जैसे कि वेबसाइट का लिंक होता है, कोई भी आप वेबसाइट सर्च करें तो यहाँ यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो जो रिजल्ट आपके सामने आएंगे उसको आपने यहाँ से पूरी लाइन कॉपी करनी है और यहाँ ला के पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ मैंने अपने चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है, ठीक है। चैनल का लिंक मैंने कैसे पेस्ट किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से यूट्यूब में गया था, और अगर तो आपने कोई इसी वेबसाइट का लिंक लिखना है ना, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, तो आपने ये ऊपर ऊपर पूरी लाइन को करना है कॉपी और वहाँ जाके पेस्ट कर देना है। चूँकि मैंने चैनल का लिंक लिखना है तो मैं यहाँ से अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करूँगा, योर चैनल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ ये रहा मेरे चैनल का लिंक, ठीक है। ये सारा लिंक मैं कॉपी करूँगा और यहाँ ला के मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कर दिया, मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक और इंटरफेस आ जाता है दिलचस्प, वो ये है कि दोस्तों वो हमसे पूछ रहा है लोकेशन, ठीक है ना, किस जगह पे आप ऐड लगाना चाह रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन समझ ले आपके लिए। पहली ऑप्शन में लिखा है एडवर्टाइज नियर एंड एड्रेस, इसके जैसा कि आपको मालूम है कि गूगल को हमारी लोकेशन का पता होता है कि हम इस टाइम किधर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। तो गूगल कह रहा है कि आप अपना इश्तेहार उस जगह पे लगाना चाह रहे हैं जहाँ पे आप मौजूद हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन में ये पूछ रहे हैं, देख लें कि ये देख सकते हैं आप, मैं लाहौर में बैठा हूँ और लाहौर के इर्द गिर्द वाले इलाके को इसने सर्कल किया कि इस इलाके तक आपका ऐड लग सकता है। यहाँ से आप एरिया बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना, 26 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर आपने रखने हैं रख दें, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने इलाके में नहीं लगाना चाह रहे, तो फिर आप दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने लोकेशन डालनी है, सिटी डालनी है, स्टेट डालनी है और कंट्री डालनी है, तो आपका एड्स उसी सिटी, स्टेट और कंट्री में लग जाएगा, ठीक है। बहरहाल अभी मैं इसको पहले ऑप्शन में करके अपने इलाके के करीब करीब ही कर लेता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट के बटन पे करता हूँ क्लिक। अच्छा गूगल देख लें आप, गूगल कितना समझदार है, कितनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि यार आप अपने बिजनेस को अपने इलाके से ही ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपका कुछ बिजनेस इस तरह का है कि आप चाह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से कस्टमर हासिल करूं, तो आप वो लोकेशन सेट करके जो भी लोकेशन आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है गूगल, गूगल कह रहा है कि सेट अप योर कीवर्ड्स थीम्स, मीन्स के आपका जो इश्तिहार लगाने का मकसद है, आपका इश्तिहार किस कैटेगरी पे बिलोंग करता है। मीन्स के ज़रूरी नहीं है कि हमने जो भी एरिया सेलेक्ट किया है, इस एरिया में, एक सेकंड, इस एरिया में जितने भी लोगों के पास मोबाइल है उन सबको आपका इश्तिहार शो हो, नहीं, ये ज़रूरी बात नहीं है। इस एरिया में उन्हीं लोगों के पास आपका इश्तिहार शो होगा, आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी, जिन जिन लोग जो लोग इन कीवर्ड्स को सर्च करते होंगे अपने मोबाइल में, ठीक है ना। यहाँ आपने अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ये मैंने खुद अपने से थोड़ा सा डाल दिए थे। यहाँ आपने सोच समझ के अपने वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो कि आपके बिजनेस से बिलोंग करते हैं पहली बात, और जो कि आपको लगता है कि इर्द गिर्द वाले लोग ये चीज़ें सर्च करते होंगे, ठीक है। एक तो आपने सबसे पहली बात प्रियोरिटी देनी है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं आपने वो लिखने हैं। जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने यूट्यूब वीडियो लिख दिया, यूट्यूब चैनल लिख देता हूँ मैं यहाँ, और ये हमने खुद से कीवर्ड बना लिया, ठीक है। तो इसके अलावा सजेस्टेड, मोर सजेस्टेड, गूगल भी हमें कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा होता है, इनमें से भी आप कोई कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आपने अपने बिजनेस के से रिलेटेड कीवर्ड लिखने, उसके बाद एक सजेशन में से कोई कीवर्ड्स लिख लेना आप, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे करते हैं क्लिक। अच्छा जी, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट बहुत अहम है, यहाँ हमने अपना खुद का इश्तिहार बनाना है, ठीक है, मीन्स कि अपनी खुद की एड बनानी है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है, इसको सारे को रिमूव करके मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि हमने ऐड किस तरीके से बनाना है। ये हमारा ऐड गूगल में शो होगा, अगर कोई भी हमारी चीज़ को कोई भी सर्च करेगा ना गूगल में तो हमारा ऐड शो होगा। अब ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि कोई अगर क्या सर्च करे तो हमारा ऐड शो हो, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ हेडलाइन नंबर 1 में आपने वो लिखना है जिसमें आपको लोगे कि यार लोग अगर ये सर्च करेंगे तो मेरा ऐड शो हो जाएगा। मीन्स कि अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, तो अगर तो आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ वेबसाइट लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मेरा एक चैनल है जिसमें मैं कहता हूँ कि यार ऑनलाइन कोर्सेज मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री, तो मैं एक ऑनलाइन कोर्सेज फ्री कीवर्ड लिख देता हूँ और दूसरी में मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग सर्च करते हैं ना कि यार हमने इस ये चीज़ें सीखनी है तो हमें शायद गूगल से हेल्प मिल जाए, रहनुमाई मिल जाए, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसके अलावा हेडलाइन 3 में भी आपने वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड लिखना है जिसमें आपको पता हो कि यार आपका ये कीवर्ड सर्च किया जाएगा, ठीक है ना। एक तो आप हेडलाइन में अपने बिजनेस का नाम लिख दें, सॉरी वेबसाइट का नाम लिख दें, और बाकी 2-3 कीवर्ड में आपने अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, ऑनलाइन शॉपिंग से, ऑनलाइन टीचिंग से, ऑनलाइन टैक्स से, वो कीवर्ड्स आपने लिखने हैं, ठीक है। तो इश्तहार, ये एड लगाना बहुत ही आसान काम है, हमारा एड इस तरीके से शो होगा, ठीक है। अब हमने इसमें डिस्क्रिप्शन डालनी है, दोनों दो लाइंस डालनी है हमने, दो लाइंस आपने। अब डिस्क्रिप्शन लिखने में भी एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डिस्क्रिप्शन में आपके कीवर्ड्स भी यूज़ हों, कौन से कीवर्ड्स जो आपने यहाँ डाले हैं, ठीक है ना, जो आपने यहाँ डाले हैं, जो आपने यहाँ डाले हैं, ये कीवर्ड्स भी शो हों। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब दोस्तों अगर कोई भी गूगल में आके सर्च करेगा ना, इधर सपोज करें सर्च करता है ऑनलाइन कोर्सेस इन पाकिस्तान, तो जैसे कोई सर्च करेगा तो इधर अगर आप ये ऐड को पब्लिक करेंगे तो इधर आपका ऐड शो होगा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं इस बंदे ने, जिसने भी ऐड लगाया, इसने पहली हेडलाइन लिखी है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेस, दूसरी हेडलाइन लिख रही है सी ऑल योर सर्च ऑप्शंस, ठीक है, और ये उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, और डिस्क्रिप्शन में उसने ऑनलाइन का लफ्ज़ यूज़ किया जिसकी वजह से उसका एड टॉप पे आया है। और इसने भी इस तरीके से इसकी ये पहली हेडलाइन है, ठीक है, और ये इसकी दूसरी हेडलाइन है, ठीक है, पहली दो हेडलाइंस शो हो रही हैं और तीसरी में उन्होंने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, ठीक है। आपने भी इस तरीके से ही आपका ऐड भी शो होगा गूगल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऐड बनाने से पहले सर्च कर लेना है गूगल में कि पहले लोगों ने किस तरीके से इसमें ऐड बनाया हुआ है, तो आप भी उनको थोड़ा सा देख के और थोड़ा सा मजीद ऐड करके अपना ऐड बना सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना ऐड बना लिया है जैसे तैसे करके, तो अगर कोई भी मेरा ऐड देखेगा और मेरे ऐड पे क्लिक करेगा ना, तो वो मेरे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी अगर मेरे ऐड पे क्लिक करेगा तो मैं इधर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद ये बड़ा अहम पॉइंट है और ये हल्की करने वाला पॉइंट है कि सेट योर बजट। भाई सेट योर बजट में आपने ये चीज़ें तीनों लाजमी देखनी है कि पहले बजट में वो कह रहा है कि 300 रुपये डेली एवरेज, मीन्स के आपके डेली के 300 रुपये कट किए जाएंगे और मंथली आपका पैकेज बनेगा 9,100 रुपये का, ठीक है। अब 9,100 रुपये में हमें क्या मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त पैकेज है। 9,100 रुपये में हमें मिलेगी 35,000 से लेके 60,000 तक पिपेक, ठीक है। ये गूगल कह रहा है कि 35,000 की से 60,000 लोगों तक हमारा ऐड जाएगा, और गूगल कह रहा है कि 900 से लेके 1,500 तक आपकी ऐड पे क्लिक मिलेंगे आपको पर मंथ, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें 9,000 रुपये में 900 से लेके 1,500 तक क्लिक मिल रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए, हमारा बिजनेस तो इजीली ग्रो हो जाएगा। और यकीन करें जितने भी ऑनलाइन बिजनेस चलते हैं वो सारे गूगल एड्स से ही ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बहुत, इसका दूसरा पैकेज देख लें, इसमें ये 12,000 रुपया मंथली है, ठीक है,
इसमें वो हमें कितने क्लिक्स प्रोवाइड कर रहा है, 1200 से लेके 2000 2100 तक क्लिक्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगला 900 रुपये का पैकेज है, जिसमें तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ही क्लिक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमें, ठीक है, 2000 से लेके 4000 तक। इसके बाद एंटर योर ओन बजट, ठीक है। अगर आप इन तीनों को बजट को सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप यहाँ से अपना अपना खुद का बजट बना सकते हैं कि आपको कितनी कीमत का बजट चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 900 वाला, क्योंकि मैंने कौन सा अभी लाइव स्टार लगाना है, आपको ही समझा रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद जी कैंपेन नेम क्या होगा, कैंपेन नेम आप वही रखें जो आपने हेडलाइन का नाम रखा हुआ है अपनी, ठीक है। उसके बाद ये सारी वो कंफर्मेशन आपको दिखा रहा है कि आपका ऐड इतने लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है, और इतने क्लिक्स आपके ऐड को मिलेंगे, ठीक है ना। ये हमें तो नहीं गारंटी ना, ये गूगल हमें गारंटी दे रहा है कि इतने क्लिक्स आपको मिलेंगे पर मंथ, और आपका ऐड इस तरीके से शो होगा जी, ये देख सकते हैं आप, आपका ऐड इस तरीके से शो होगा, गूगल कह रहा है, और इस लोकेशन में आपका ऐड लगेगा, ये गूगल हमें सारा प्रीव्यू दे रहा है, और इन कीवर्ड्स को हमने टारगेट किया है, ठीक है। और इसके अलावा ये बजट है हमारा, ठीक है, 27,000 महीने का हमारा बनता है बिल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं जी। इसके बाद कंफर्म पेमेंट का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी पेमेंट कंफर्म करनी है, ठीक है। अगर आप बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट, नहीं तो आप इसको पेमेंट मेथड कार्ड डिटेल्स, अपने बैंक के कार्ड से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इधर कार्ड नंबर लिखना है आपने, मंथ ईयर और CYC नंबर लिखना है आपने यहाँ, और बिलिंग एड्रेस लिखना है, और इधर ऑटोमेटिक पेमेंट या मैनुअल पेमेंट, आप ऑटोमेटिक पेमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके बैंक अकाउंट से ए तकरीबन जितने का ये पैकेज है उतने पैसे काट लिए जाएंगे, और आपका जो ऐड है वो गूगल में रन कर दिया जाएगा, और बकायदा आपको गूगल एनालिटिक्स दिखाएगा कि यार आपका ऐड कितने लोगों तक पहुंच गया और कितने क्लिक्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। तो एक बार जब आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, छोटे पैक से आप बेशक ट्राई करें एक बार, 300 रुपये से इतने ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं आपको, 300 वाला पैकेज ट्राई करें तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी लग जाएगी, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिल जाएगी। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया कि गूगल में यूट्यूब में किस तरीके से आपका ऐड शो होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि मैं कुछ सर्च करता हूँ तो इधर मेरे पास वीडियोज़ आने से पहले कुछ एड्स आए हैं, देख सकते हैं ना, ये गूगल एड्स आए हैं कुछ, ये भी लोगों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट की है, जैसे कि www.advantine.com, इस तरह फलान डॉट कॉम, इस तरह आपका ऐड भी यहाँ शो होगा गूगल की तरफ से, यूट्यूब में भी शो होगा और गूगल की सर्च में भी शो होगा, ठीक है। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद लगी और आप चाहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी भी वीडियो सिखाऊं जिसमें वीडियो के ऊपर इश्तहार बना आपको नज़र आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, तो मैं आपके लिए वीडियो वो लाजमी बनाऊंगा, ठीक है ना। अगर तो आपने इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अब वो किस तर... अब अगर तो इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आपको ये वाला ऐड भी बताना बताऊंगा कि हम ये वाला ऐड किस, जिसमें कोई यूट्यूब वीडियो को प्ले करते हैं तो प्ले होने से पहले जो ऐड हमारे सामने शो होता है ये किस तरीके से हम किसी भी वीडियो पे लगा सकते हैं, तो ये हम देखते हैं इसमें ऐड लगा भी हुआ कि नहीं, 1 मिनट लोड। पर हाल आपको पता ही होगा चलाने की, क्या पता ही होगा कि हर जब भी हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो ऐड शो होता है, तरीके से लगाते हैं हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। बाकी अपना ख्याल हमें याद रखिएगा, आप अपने भाई को इजाज़त दें, मिलती है, मुलाकात होती है अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।